हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक साफ। दोस्तों, विंडोज़ 11 लॉन्च हो गई है। आज 24 जून है, 11 बजे ये लॉन्च हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ट्वीट किया था 2 जून को कि विंडोज़ 11 हम 24 जून को लॉन्च करेंगे 11 बजे, ठीक है। उसकी लॉन्चिंग डेट रख दी उन्होंने, लेकिन इससे पहले कहीं से उसकी iOS इमेज फाइल लीक हो गई और जो कि सब लोगों ने इंस्टॉल कर ली उसको। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। इससे पहले जो आप वीडियोज़ देख रहे हैं लोगों की, लोग विंडोज़ 11 को डाल रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो एक लीक फाइल थी। लेकिन अभी वो 11 तारीख को वो लॉन्च हो जाएगी। जो लीक फाइल है वो हमारे पास भी है, हम भी डाल के देखते हैं अपने सिस्टम के अंदर कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। जस्ट आपको कुछ नहीं करना। और ये है iOS इमेज फाइल विंडोज़ 11 की। अच्छा, 5 GB की ये फाइल है, आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जस्ट एक पेन ड्राइव लगाओ और रिफ्यूज़ सॉफ्टवेयर है उससे इसको बूटेबल बना सकते हो। लेकिन मेरे को अपने सिस्टम में ऐसा नहीं करना, मैं इंस्टॉल करूँगा VMware। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई सी भी विंडोज़ हो, चाहे वो मैक हो, चाहे वो विंडो का कोई सा भी वर्जन हो, 7 हो, 10 हो, 11 हो, XP हो, कुछ भी हो, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ इसे, और ये डाउनलोड होती है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको इंस्टॉल करेंगे और अपनी इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारा PC ऑन रहेगा, दो दो विंडो एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, बहुत आसान तरीका है, बहुत पुराना है, क्योंकि वर्क स्टेशन सब लोग यूज़ करते हैं VMware का। और आप लोगों को यूज़ नहीं करता तो यूज़ करा करो। डबल वाले विंडो अगर आपको चलानी हो तो बहुत ईजी है, मैक OS भी चला सकते हो इसके अंदर और विंडोज़ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को तो पेन ड्राइव वाली बूटेबल बनानी है, तो एक रिफ्यूज़ सॉफ्टवेयर है, जस्ट गूगल करेंगे हम रिफ्यूज़। आप जानते होंगे रिफ्यूज़ बूटेबल के नाम से आता है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ईजिली, ठीक है। यहाँ से आप 3.14 लेटेस्ट वर्जन है इसका। ये डाउनलोड हुआ, इंस्टॉल हुआ, मैं आपको बता देता हूँ एक सेकेंड, ठीक है। ये आ गया, कुछ नहीं करना, जस्ट स्टैक करना है। और अपनी ये फाइल है इसको आप यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दीजिए, ओपन करिए और विंडोज़ 11 पे ओपन कर दीजिए। ये GT है, इसको MBR कर लीजिए बस, उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए, बूटेबल आपकी पेन ड्राइव बन जाएगी। 5-6 मिनट लेती है, उसके बाद बूटेबल बन जाती है, ठीक है। अब हमारा VMware हो गया, इसको हम इंस्टॉल करते हैं, यस करते हैं, ठीक है। यहाँ से वर्क स्टेशन प्रो है ये, इसे हम काट देते हैं। मैं इसके अंदर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि ये जो लीक हमें मिला है, ये हमें iOS इमेज फाइल मिली है, सही है कि नहीं सही है। अभी तो देखो, एक दो दिन बाद पता चल जाएगा, शायद हो सकता है मैं अपने सिस्टम के अंदर विंडोज़ 11 ही लॉन्च कर लूँ बाद में। लेकिन अभी तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 10 के अंदर, हमारा बेहतरीन विंडोज़ 10 है। अच्छा, ये बात थी, ये बात आपको भी मालूम होगी कि जब विंडोज़ 10 लॉन्च हुई थी तो ये बात मैंने सुनी थी किसी से, कि उन्होंने ये बात कही थी कि हम लोग कोई और विंडोज़ नहीं बनाएंगे, विंडोज़ 10 के अंदर ही अपडेट देते रहेंगे। लेकिन अब ये पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने विंडोज़ 11 भी लॉन्च कर दी। लेकिन अच्छी बात है, न्यू अपडेट दिया होगा तो अच्छी बात है, थोड़े बग्स वगैरह निकाले होंगे, कुछ अपडेट दिए होंगे। यहाँ पर लाइसेंस मांगेगा आपको, जस्ट फिनिश कर देना है, ठीक है। आपका सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा, इसको रन रन एडमिनिस्टर करिए, ओके करिए, इसको हम छोटा कर लेते हैं, आपको कुछ बहुत इजी है। अच्छा, ये ऑलरेडी आ रहा है, इसको रिमूव करते हैं। क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पे जाएंगे आप, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से आप ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 आपको चाहिए, ठीक है जी। हमें क्योंकि विंडोज़ 11 इसके अंदर अभी इन्होंने अपडेट नहीं दिया है, क्योंकि देखें आप सारे विंडोज़ आप इंस्टॉल कर सकते हो। हम 64 बिट की करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, नेक्स्ट। कहाँ पर करनी है, विंडोज़ सी के अंदर करनी है हमें, अपने सिस्टम के अंदर। इसको हम दे देते हैं 60 GB की फाइल। अब बहुत इजी है, बहुत आसान तरीका है इसका, कुछ भी नहीं करना होता। विंडोज़ 10 का हम नाम चेंज कर देंगे, एडिट पे जाएंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे इसको दे देते हैं मेमोरी, मतलब कि रैम, इसको हम देंगे 4 GB रैम। और प्रोसेसर हम इसको दे देते हैं 2 60 GB, इसको हमने हार्ड डिस्क दे दी अपने विंडोज़, जैसे कि हम नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं। iOS इमेज फाइल हम लोग इसे यहाँ से दे देते हैं पेस्ट, या भाई iOS इमेज फाइल, और ओके कर दो, बहुत इजी, ठीक है। पावर ऑन द वर्चुअल मशीन, ऑन दिस वर्चुअल मशीन, ठीक है। ये बूटेबल हो रही है, बूटेबल हो गई। कंट्रोल ऑल्ट दबाएंगे तो आपका माउस काम करेगा, अगर आप इस विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो आपका माउस काम नहीं करेगा। कंट्रोल ऑल्ट दबाता हूँ तो ये मेरा माउस अब काम कर रहा है, ठीक है। ये आ गया, बहुत इजी है, जैसे हम लोग बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं वैसे हम लोग इसके अंदर अब काम कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, बहुत स्पीड से होगा, अभी हम थोड़ा स्पीड में देख लेते हैं।
दोस्तों विंडो 11 हमारी हमने इंस्टॉल कर ली है। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये पूरी इंस्टॉल हो गई है। और ये क्या है यहाँ से? अच्छा, हम इन्होंने जो दे रखा है ना, एक सेकेंड, इसकी हम थोड़ी सी स्क्रीन बढ़ा लेते हैं। 1920 कर लेते हैं क्या? हाँ, थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं ना। अरे ये तो फुल ही हो गया। चलो ये खैर, हमारे पास अभी विंडोज़ 11 और इसके अंदर हमारा जो सेटअप था उन्होंने यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया है। ये है, यहाँ से सर्च का ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग अपना एक फोल्डर, ओके दिस पीसी। ठीक है, बड़ा स्मूथ सा है, बहुत ओहो अच्छा लग रहा है। चलो प्रॉपर्टी, यहाँ से प्रॉपर्टी सेम है बिल्कुल। बस वो ये कि थोड़ा सा ना डिफरेंट कलर वगैरह इन्होंने भर दिए हैं। और ये देखें जो हमने अभी डाली ना, 4 GB RAM दे दी हमने, और हमारा प्रोसेसर सेम आ रहा है, 2 प्रोसेसर से दे दिए थे हमने, और कितनी बिट दी थी वो सब कुछ आ रहा है इसके अंदर। ये खास बात होती है, सब कुछ बताया था ये। और इसमें नेट भी चल रहा है, तो हम गूगल करते हैं ज़रा। माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है विंडोज़ 11। ओके, ये चीज़ अच्छी लग रही है, नीचे छोटा सा बिल्कुल वो आ रहा है, और यहाँ से खाली कर दिया उन्होंने, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया थोड़ा सा। ये ना टच देंगे तो ये अभी जो लैपटॉप या कुछ भी जिसके अंदर ये विंडोज़ 11 देंगे तो उसके अंदर टच, में लग रहा है कि टच का काम करेंगे ज़रूर, क्योंकि इस जो मज़ा जा रहा है ना, फील जो आ रही है देख के, तो उसका मतलब यही है कि ये टच का काम होने वाला है इसके अंदर। ओके गूगल, ठीक है ये गूगल खुल गया। विंडोज़ 11 रिलीज डेट कब है? 24 जून को है, आज ही है, 11 बजे है। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं, अच्छी Sorry, है। I don't understand. अरे ठीक है जी, यहाँ से ये विंडोज़ 11 लॉन्च हो गई। आप भी अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, VMware का भी दे दूँगा और आपको विंडोज़ का भी मिल जाएगा। यहाँ से मैं 2-3 चीज़ें चेक कर लेता हूँ, ये भी सही है, नॉर्मल है। सर्च के ऑप्शन में मेरे को सेटिंग में क्या क्या मिलेगा? ठीक है, ओके, कंट्रोल पैनल है क्या? कंट्रोल पैनल तो यहाँ दिख नहीं रहा मैं। चलो ये क्या है, टास्क व्यू, ओके, जो जो हमने, ठीक है, सही है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा स्मूथनेस है, मतलब हर चीज़ एकदम ओपन हो रही है, पॉपअप हो रही है। जबकि ये 2 GB RAM के अंदर, 4 GB RAM के अंदर, अगर ये पूरा ही मेरा 16 GB RAM के अंदर मैं इंस्टॉल कर लूँगा तो शायद, लेकिन मैं ओरिजिनल वाली बाय करूँगा एक बार, फिर देखते हैं इंस्टॉल करके, उसके ऊपर भी एक वीडियोस बना दूंगा। लेकिन ये कि अगर आप चाहते हो कि अभी हम लोग भी चेक करें, तो आप ऐसे आसानी से चेक कर सकते हो, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, और सारा काम इसके अंदर विंडोज़ 11 के अंदर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक मार देना, शेयर कर देना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।